चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अरे इनका बहिष्कार तो है ही है, इनको हराने की भी पूरी तैयारी है राजपूत समाज की और सर्व समाज की। समाज खुलकर स्टैंड लेगा और कोई लो ना लो, हम अपने तन मन धन तो भाई हर तरह से इकरा जी के साथ है। उसके बाद 5 साल का अवसर उन्हें भी दिया जाएगा, अगर वो काम करती हैं अच्छा तो शायद ये भी है कि आज प्रदीप चौधरी जी का विरोध हो रहा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध हो। बिल्कुल, गांव में क्या किसी ने देखा ही नहीं, नाम से तो सुना सबने, चेहरे से कोई नहीं जानता उस गांव में, और खुल के हम तो इकरा सिंह जी के साथ है जी। भाई मेरा कहना ये है कि युवाओं का अक्षेत्र में क्या पूरे देश में बोलाबाला है और युवा नेत्री है इकरा सिंह, तो युवाओं से युवा कनेक्ट अच्छा कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो बात यह है 2 साल से एक्टिव है पूरी, हमारे आने जाना सब कुछ कर रही, ब्याह शादी में सारी जगह आ रही। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के ननौता क्षेत्र में हैं। ननौता क्षेत्र में हम आज जो है राजपूत नौजवानों के बीच है। देश में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाना है। वहीं भाजपा से अगर हम बात करें तो दोबारा से जो फिलहाल जो सांसद है कैराना से, उनको दोबारा से प्रदीप चौधरी को जो है दोबारा से टिकट दिया है। चुनाव आ रहे हैं तो लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे नौजवानों से बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है। जी भाई साहब, आपका नाम? दीपांश राणा है जी। अच्छा राणा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव हो गए, लगभग प्रदीप चौधरी भाजपा से है, इकरा सिंह जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी से प्रत्याशी, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है आने का? तो जी देखो पता नहीं, पर प्रदीप चौधरी तो यहाँ 5 साल हो गया है नहीं, ठीक है जी, और 5 क्या 7 साल, 2 साल पहले भी रहा, 2.5 साल उसके बाद भी, उसके बाद चुनाव हो गए, यहाँ आया ही नहीं बिल्कुल भी, ना किसी के शादी में है, ना मरने में है, ना जीने में है बिल्कुल। कुछ गांव तो भाई ऐसे हैं कि कोई जानता भी नहीं प्रदीप को, कि काम करा या नहीं करा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है भाई, इकरा के साथ है, इकरा का सपोर्ट है भाई, खुले उससे सपोर्ट करेंगे इकरा को, अपना यूथ साथ में है सारा, और भाइयों को साथ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी आप घूम ही रहे भाई, आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसा वो चल रहा है। इकरा के क्यों सपोर्ट में आप लोग हैं, क्या अच्छा लग रहा है इकरा में? भाई ने बताया अभी, एक तो प्रदीप जी का कोई काम करने का आपको पता ही है कि काम किया नहीं कुछ अब तक हमारे उसमें समाज में तो, और एक चीज़ का लेके थोड़ा सा आक्रोश है लोगों में, जिस चीज़ को चेहरा पसंद नहीं कर रहे अभी प्रदीप जी का, तो इस वजह से थोड़ा सा विरोध जता रहे हम। अगर बीजेपी प्रदीप की जगह किसी और को टिकट देते तो फिर समाज क्या करता? वो देखो बात क्या है, अब तो घोषित हो चुका है इनका, अब क्या देखो, तो अब समय भी कितना रह गया, सभी समय बहुत कम रह गया, अब इकरा के साथ हैं हम तो, पूरे सपोर्ट इकरा के साथ हैं, ये सारे भाई हैं अपने से भाई हैं। जी भाई साहब, हमारे यहाँ तो खुल का विरोध हुआ भाई एक तरह से, सिर्फ विरोध यही था कि, अच्छा एक चीज़ बताओ भाई साहब, कोई भी प्रतिनिधि है समाज में, आपका विधायक है, MP है, कोई भी है, मोदी जी हैं, योगी जी है, कोई भी है, वो 36 बिरादरी की वोट से ही तो बनेगा, या वो अकेला गुज्जर तो बन जाएगा, गुज्जर है वो, ठाकुर है तो ठाकुर तो बन जाएगा, ये जो बड़ा है जो ठाकुर वोट दे रहे हैं गुज्जर को, वे इसलिए दे रहे हैं कल को हमें नीचे दिखावर अपनी बिरादरी का सपोर्ट करे। हाँ बिरादरी का सपोर्ट करना अच्छी बात है, पर दूसरी बिरादरी की खिलाफत या दूसरी बिरादरी को नीचे दिखाना भी गलत है भाई। स्वाभिमान सबसे पहला आप अपने घर तक चलो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्वाभिमान के लिए तो कर रहे हैं, या आपकी बेइज्जती हो रही है, आप फिर भी रुपये कमा जाओगे, आप कहोगे नहीं भाई पहले इज्जत प्यारी है, तो भाई समाज खुल का स्टैंड लेगा और कोई लो ना लो, हम अपने तन मन धन तो भाई हर तरह से इकरा जी के साथ है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया जब मैं बनेंगी या जो भी कल को बात होगी, वे हमारे बिरादरी का, हमारे समाज का पूरा ख्याल रखेंगे। अब भाई देखो बनने तो पहले तो हम उन तो कोई एफिडेविट तो ले नहीं सकते इकरा से, हाँ जी इकरा जी से, पर ये हम उन्हें समर्थन करेंगे, हम उन्हें जिताएंगे, हम उन्हें लेकर जाएंगे जब MP में बनेंगी, तो उसके बाद में देखते हैं हम वे हमारे लिए क्या करते हैं क्या नहीं। अरे ये बेचारी 2 साल से एक्टिव है पूरी, हमारे आने जाना सब कुछ कर रही, ब्याह शादी में सारी जगह आ रही, और सबसे बड़ी बात यह है जी, जो हमारे महापुरुषों की और हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करने का वो नेता ही नहीं हमारा, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है प्रदीप चौधरी 5 साल हो गए, बिल्कुल गांव में क्या किसी ने देखा ही नहीं, नाम से तो सुना सबने, चेहरे से कोई नहीं जानता उस गांव में, और खुल के हम तो इकरा सिंह जी के साथ है जी, वो भी देखो वो भी 5 साल है, 5 साल के बाद सबको बदलना, जैसा वो हमारे साथ करेंगे 5 साल बाद उन्हें भी देखेंगे, अब की तो बार तो उनके साथ है खुल के सपोर्ट में, और इनका बहिष्कार तो है ही, इनको हराने की भी पूरी तैयारी है राजपूत समाज की और सर्व समाज की, बात ही है जी। खाली कैंडिडेट को ही आप हराओगे या पूरी, क्योंकि देश में जो है NDA गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, हमें कैंडिडेट से है जी, हाँ कैंडिडेट का है, बीजेपी का नहीं है, कैंडिडेट का, बस ये बात ही है जी।
कुछ जनप्रतिनिधि जब अक्षेत्र में चुन कर जाएगा तो अक्षेत्र में जाने का नेता का काम है। और प्रदीप चौधरी जी एक ऐसे एमपी हुए जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ गांवों के नाम कभी नहीं पता होगा। एज पर ग्राउंड की बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर नेता कोई एमपी बना है तो अगर वह अपने क्षेत्र में जाए, इकरासन से हमारा कमिटमेंट यही है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं, विकास कार्यों में सबसे आगे वो रहेंगी, उसके बाद 5 साल का अवसर उन्हें भी दिया जाएगा अगर वो काम करती हैं अच्छा। तो शायद ये भी है कि आज प्रदीप चौधरी जी का विरोध हो रहा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो समाज में रह के नेताओं को चुनना जनता का काम है, जनता के बीच में नेता को रहना पड़ेगा। चौधरी साहब बहुत पीछे है इस मामले में, तो पूर्ण तरीके से विरोध है, इकरा एजेंसी का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा, इकरा हसन पहली बार जो है चुनाव लड़ रही है, प्रदीप चौधरी विधायक भी बने हैं और दोबारा से सांसद भी, मतलब सांसद बने हैं फिर तीसरी बार, तो आपको लगता है कि भाई इकरा उस तरीके से काम कर पाए? देखिए बड़े भाई, मेरा कहना यह है कि युवाओं का अक्षेत्र में क्या पूरे देश में बोलाबाला है और युवा नेत्री है इकरा हसन, तो युवाओं से युवा कनेक्ट अच्छा कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो बात यह है। और रही चौधरी साहब की बात, जब वो अपने क्षेत्र में नहीं गए तो फिर काम क्या होगा? अब युवा नेत्री कनेक्ट अच्छी करे पर हम कर पाएंगी और ग्राउंड पर काम करेंगी तो शायद उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय यही नहीं। अच्छा, जैसे आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो, इससे फर्क पड़ेगा कुछ इस सीट पे? देखो बड़े भाई, ये आप अगर ये मानते हो कि प्रदीप चौधरी जी के चेहरे को वोट दी हुई है, ये नहीं है बिल्कुल भी। ये मोदी सरकार की मोदी लहर में एमपी बने हुए व्यक्ति हैं, अगर मोदी जी के चेहरे को हटा के इन लोगों को खड़ा कर दे तो मेंबर भी नहीं बन पाएंगे वार्ड के। ये तो बहुत बड़े इलेक्शन हो गए, एमपी की बात बता रहा हूँ आपको, ये मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। तो इसमें कोई गिनी चुनी बातें हैं, विरोध पूर्ण तरीके से हैं, लेकिन चौधरी साहब इस मामले में ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर नेता चुना जाता है तो जनता के बीच में जाए, काम करे, सर्व समाज को लेकर साथ में चले, एक की कोड़ी भर के काम नहीं होता समाज में, ठीक है, मेरा तो बस यही कहना है। सरकार भी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, तो पिछले 5 सालों में सरकार क्या उस तरीके से काम कर पा रही है या नहीं? या सरकार तो जी चलो अच्छा काम कर रही जो भी है, पर ये तो आगे प्रदीप जी जो है मैं तो नहीं कनेक्ट कर पा रहे, आदमी को न जोड़ पा रहे। जनप्रतिनिधि नहीं सही है, सीधी बात है, सरकार सही है, सरकार अपना पूरा 100% कर रही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। सरकार तो नाराजगी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे काम करे भाई, आर्टिकल 370 हटाया हमारे यहाँ, लगभग नहीं फुट्टा शहर में बताया कर रहे थे सड़कों के मामले में, यहाँ इतने NH बन गए, इतने हाईवे बन गए भाई, वो विकास सेंट्रल गवर्नमेंट से चला, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा बहुत विकासशील सरकार है। पर भाई साहब हमारा कैंडिडेट तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं भाई साहब, बात सुनो, मैं लगभग 10 बार अपने विधायक जी से मिल चुका हूँ कीरत जी से, उनके फार्म हाउस पे या कहीं प्रोग्राम मिला है, अगलो तो एक दो बार कुछ काम हुआ ना तो उन्होंने सबसे पहले दिन जिस दिन मिला था उन्होंने कहा था नंबर लिखवाए बैठे, और मिस कॉल मार के अपने फोन में नंबर सेव करा था, आज भी नंबर है, अगर फोन करा जाए तो विधायक जी पहले फोन पर फोन टपाए, यहाँ हम 10 भाई खड़े, किसी को सांसद जी का काम अगर पड़ गया ना तो भाई साहब 2 दिन तो निकटने में निकट जाएंगे, उसका कॉन्टैक्ट किक कर होगा, उसका संपर्क किक कर होगा, तो बताओ भाई साहब। जी भाई साहब, आपका नाम? भाई मेरा नाम अक्षर राणा। अच्छा राणा जी, क्या लग रहा है यहाँ तो विरोध कर रहे हैं भाई, आए नहीं सांसद जी? भाई विरोध तो है ही, यहाँ सारे में ही विरोध है, मेरी विधानसभा मेरी देवबंद पड़ा है और अच्छा देवबंद भी सहानपुर पड़ा है वैसे तो, पर ज़्यादा उठना बैठना आना जाना यही है नणुक्त ही। अच्छा, उसके बाद मैं चारों तरफ ही भाई विरोध ही है प्रदीप का, बिना तो आया उसके बाद समाज को नीचे दिखाने का काम करा उसने, पर दिक्कत भाई बता रहे हैं सारे ही, उन्होंने देखा ही नहीं, मतलब यहाँ इलाके में देखे ही नहीं कभी, तो यहाँ इकरा को ही लोग जो है उसके पहली पसंद आज के टाइम में भाई इकरा ही है यहाँ, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमारे पास दूसरा बात भाई उनका कुछ भी काम हो हमारा एकदम फोन ठमे में आने जाना सुख दुख किसी का भी आ सकती। कौन? इकरा सिंह जी। अच्छा इकरा जी, भाई साहब मेरा नाम जुबेर है जी। अच्छा जुबेर, आपको क्या लग रहा यहाँ तो विरोध कर रहे हैं पूरा? जीत रहे जी। कौन? इकरा सर। अच्छा इकरा सिंह जीत रही। हाँ जी, हम अभी कैराना लोकसभा सीट के ननौता क्षेत्र में थे, यहाँ पे अलग अलग गांव से राजपूत समाज के हमारे साथ नौजवान थे, प्रदीप चौधरी उनको लेकर काफ़ी रोष नज़र आ रहा है, इनका कहना है कि वो कभी हमारे भी इलाके में नहीं आया है, तो इन्होंने जो है इकरा को, इकरा हसन को इस बार जो है समर्थन देने की बात कही है। हालाँकि मोदी सरकार का काम अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी नाराज़गी है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी।